नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निकाय के बारे में, क्योंकि आज जो है वार्डों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में अब इसके पूरी जिम्मेवारी, यानी कि नगर निगम में अगर कहीं काम हो रहा है तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है अब अधिकारियों के पास होगी, क्योंकि आज चुनाव नहीं होने के कारण यह जो है इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऐसे में अब देखना है कि कब जो है वार्डों का, यानी कि नगर निगम का चुनाव होता है, नगर निकाय का चुनाव होता है। राज्य की करीब 90 नगर पालिकाओं में निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। इन नगर पालिकाओं का शपथ ग्रहण 9 जून 2017 को करवाया गया था। बिना जनप्रतिनिधियों वाली नगर पालिकाओं के संभालने की जिम्मेवारी अब प्रशासकों के हाथों में चली जाएगी। सरकार ऐसी सभी नगर पालिकाओं में प्रशासन नियुक्त का अधिकार संबंधी जिले को जिलाधिकारी को जो है उसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है। 2017 में राज्य की 101 नगर पालिकाओं में चुनाव करवाया गया था। यह माना जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में जिलाधिकारी, नगर परिषद क्षेत्र में अपर समाहर्ता और नगर पंचायतों में वरीय उप समाहर्ता या फिर उसके ऊपर के पदाधिकारी प्रशासक नियुक्त हो सकते हैं। नगर पालिका आम चुनाव 2017 में राज्य की 101 नगर पालिकाओं में चुनाव कराया गया था, जिसमें से 7 नगर निगम क्षेत्र, 31 नगर परिषद क्षेत्र और 62 नगर पंचायत शामिल थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी नगर पालिकाओं में निर्वाचन के बाद वहां के पार्षदों और मुख्य पार्षदों के शपथ ग्रहण कराने की तिथि निर्धारित कर दी थी। इसके अनुसार निर्वाचित पार्षदों का 5 साल विभिन्न तिथियों को पूरा हो रहा है। इसमें पटना नगर निगम के विभिन्न जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 19 जून को पूरा हो रहा है। नगर पंचायत बारसोई, यानी कि जो पटना के अंतर्गत आता है, इसका कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। पटना जिला के अंदर अगर हम बात कर लें तो नगर परिषद बाढ़, खगौल, दानापुर, मुकामा, मसौढ़ी, फुलवारी शरीफ व बख्तियारपुर के साथ नगर पंचायत मनेर और कटिहार जिले के नगर पंचायत बारसोई का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। राज्य के सबसे अंत यानी कि 27 जून को मुंगेर नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2017 में जिन्होंने जिस तिथि को अपना शपथ ग्रहण करवाया था उसी हिसाब से उनका जो है कार्यकाल अब धीरे धीरे इसी महीने तक में समाप्त हो जाना है। इसके बाद इनका कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार प्रदेश में निर्वाचन को लेकर तिथियों की घोषणा करता रहा है। ऐसे में उसकी जो आखिरी तिथि आई है उसको लेकर हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन ये भी जान लेते हैं कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग ने इतनी देरी आखिर क्यों कर दी है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें से एक कारण ये है कि इस बार जो है नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्रों का जो है विस्तार हुआ है। ऐसे में उसके परिसीमन को लेकर, उसके जो है वार्डों में एक तरह से कह लें कि वोटर लिस्ट को लेकर अभी तय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, उसको लेकर जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने एक तिथि की घोषणा कर दी है। इसके बाद से अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जब ये वीडियो बन रहा है उस समय तक जो है वोटर लिस्ट का काम जो है वो जारी है। उसके बाद से जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आगे हम जानते हैं कि किस किस तिथियों में किन किस तरह के काम राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किए हैं। मतदाता सूची विखंडन के लिए प्रशिक्षण जो है, यानी कि अधिकारियों के लिए यह जो काम जो निर्धारित किया गया था वो था 1 जून का। उसके बाद 1 जनवरी 2022 को प्रकाशन मतदाता सूची का वार्डवार विखंडनकरण का जो कार्य था वो 2 जून से 11 जून के बीच में होना है, जिसकी अवधि अभी चल रही है। विखंडित मतदाता सूची के जांच का पीडीएफ निर्माण जो है वो 10 जून को होना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची का वार्डवार विखंडनकरण 11 से 17 जून के बीच में होगा, यानी कि इस दौरान जो है यह पता चलेगा कि आप जो है किस वार्ड में हैं, क्योंकि इस बार जो है परिसीमन में बदलाव की पूरी संभावना है। विखंडीकृत मतदाता सूची का डेटाबेस की जांच 18 से 20 जून के बीच में की जाएगी। मतदाता सूची का पीडीएफ तैयार कर मतदाता प्रारूप प्रतीक की छपाई 21 से 27 जून के बीच में की जानी है। प्रारूप मतदाता सूची का दावा आपत्ति संबंधी प्रशिक्षण जो है वो 27 जून को होगा। प्रारूप प्रकाशन की तिथि जो है 28 जून को होगा। उसके बाद इसका दावा और आपत्ति जो है वो आप 28 जून से 11 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। दावा आपत्ति निपटारा जो है वो 5 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में होगा। इसके बाद मतदाता सूची का पीडीएफ प्रकाशन, जो कि आखिरी प्रकाशन की बात कही जा रही है, एक तरह से कह लें कि आपके वार्ड का ये मतदाता सूची जो है वो तैयार किया गया है, इसका जो तारीख रखा गया है वो है 19 से 24 जुलाई। इसके बाद जो है इसमें भी अगर आप सुधार कर सकते हैं, सुधार के बाद जो आखिरी तारीख निर्धारित की गई इसके बाद किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और वो है 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई को आखिरी दिन होगा जब आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा। इसका मतलब है कि 25 जुलाई तक आपके वार्ड का परिसीमन होगा।
25 जुलाई तक आप जो है मतदाता सूची में आपका नाम जो है वहाँ पे अंकित हो जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि अभी जो चुनाव की जो स्थिति है उसमें 25 जुलाई तक बिहार में नगर निगम नगर पंचायतों के चुनाव होने के कोई भी आसार नहीं है। इसके बाद से हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति होती है, क्योंकि उसके बाद से बरसात का महीना होगा और ऐसे में बिहार का एक इलाका जो कि उत्तरी बिहार है, यहाँ बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा पानी, एक तो नेपाल से पानी आती है, दूसरा बारिश के कारण जो है यहाँ खूब तबाही मचती है। ऐसे में अब जिला प्रशासन और नगर निगम और उसके बाद कह लें कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास यह जिम्मेवारी है कि वो निकाय चुनावों को कैसे संपन्न कराए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।